त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कन्या राशि वालों, जुलाई का पहला चरण आपके लिए क्या कुछ लेके आया है? जुलाई का पहला चरण बड़ा ही चमत्कारी रहने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रहों का परिवर्तन बड़ा विचित्र प्रकार से हुआ है इस समय में, और जो ग्रहों का परिवर्तन है वो कई प्रकार की जीवन में उत्थान और पतन के योग देता है। ऐसे में हमें समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ होने के योग है और किस प्रकार से अपने जीवन के कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है, इसी जुलाई के पहले हफ्ते में सावन का महीना शुरू होगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के अद्भुत अद्भुत प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, और अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में लोगों ने भगवान शिव को प्रसन्न कर समस्त प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने के वरदान प्राप्त किए हैं। और जिस प्रकार से मंगल का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, और साथ साथ कई ग्रहों का, बुध का परिवर्तन इस विशेष तौर पर पखवाड़े में आपको देखने को मिलेगा, तो कई प्रकार की बातें आपके समक्ष रहेंगी। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। शनि वक्री होकर छठे भाव में बैठे हैं और मंगल सामने आ गया है उसके, और जिस प्रकार से शनि मंगल का टकराव है ये विशेष तौर पर दिखाता है कि आपको कई मामलों में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। चाहे वो व्यावसायिक मामले हों, चाहे वो पारिवारिक मामले हों, उन सब में जीवन को चलाने के लिए विशेष तौर पर बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर दिखा रहा है कि धन का आगमन तो होगा, धन लाभ की स्थिति भी बनेगी, लेकिन वाणी की कुछ कटुता के कारण से, वाणी के कुछ दोष के कारण से कई आते आते सौदे, कई कई लाभ की स्थिति आपके जीवन में कुछ हानि के योग दे सकती हैं। तो इसलिए समझ लीजिए, एक जुलाई से लेकर विशेष तौर पर आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं आपके जीवन के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक जुलाई की ही। तो एक जुलाई को जो पंचांग कहता है वो विशेष तौर पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो है त्रयोदशी तिथि। उस दिन प्रदोष का योग भी है और वृश्चिक में चंद्रमा का योग चल रहा है, और आपकी राशि के अनुसार से ये चंद्रमा आपके लिए लाभ की स्थिति बनाने के योग बना रहा है। साथ साथ कई प्रकार की स्थिति आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन खर्चों की स्थिति भी साथ साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आपको समस्त कार्यों को करते हुए अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे पहली बात है। और ध्यान रखिएगा कि वाणी का उपयोग करते हुए, बातचीत का प्रयोग करते हुए कुछ गलत शब्द मुख से ना निकले, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। और कल ही विशेष तौर पर रात्रि में, आज ही रात्रि में हम बात करें तो मंगल का परिवर्तन हुआ है, और मंगल का जो कमजोर की स्थिति में चल रहे थे, कर्क राशि में चल रहे थे, वो सिंह राशि में पदार्पण कर चुके हैं। और ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि विशेष तौर पर आपको मंगल के दोषों को हरने के लिए हनुमान जी की उपासना करने का प्रयास करें। देखिए, शनि प्रदोष है, शनिवार और प्रदोष का योग पड़ रहा है, ऐसे में आप शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक करें, हनुमान जी का विशेष तौर पर चोला अर्पित करें भगवान हनुमान जी को, तो आपके समस्त कष्ट हरने के योग बनेंगे, शनि के तमाम दोष हरने के योग बन सकते हैं। वही हम 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को रविवार का अवसर है, पंचांग ये समझाता है, चतुर्दशी की तिथि है और धनु राशि में चंद्रमा का आगमन होगा दोपहर को करीब करीब 1:21 पर। साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी है। और एक बात का और ध्यान रखें, गणमूल नक्षत्रों में ज्येष्ठा नक्षत्र आज विद्यमान रहेगा, तो जो जातक आज जिन जन्म लेंगे उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका मूल शांति करनी परम आवश्यक है। जहां तक ग्रह गणनाओं की बात करें तो ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि आपके जीवन में कल्याणकारी योग विशेष तौर पर बनने के योग बन सकते हैं। दोपहर तक का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, दोपहर के बाद विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी दोपहर तक खर्चे ज़्यादा रहेंगे और जैसे चंद्रमा का परिवर्तन होगा उसके बाद स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है, वहीं लाभ की स्थिति बन सकती है। तो आपके लिए आधा दिन अच्छा, आधा दिन थोड़ा खर्चे वाला रहेगा। तो पहला भाग सावधानी से करें, दूसरे भाग में विशेष तौर पर आपके लिए आनंद के योग बन सकते हैं। रविवार का अवसर है तो सबसे बढ़िया आपके लिए यह है कि आप भगवान का स्तवन करें, साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी आज ही किया जाएगा क्योंकि पूर्णिमा का आगमन शाम के समय हो जाएगा। तो ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे तो आपके कष्ट भी दूर होंगे। और सब बात कर लेते हैं 3 जुलाई की। 3 जुलाई को ग्रह गणना कहती है, विशेष तौर पर पंचांग की स्थिति समझें तो सोमवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा का, और साथ साथ आषाढ़ मास की पूर्णिमा का शुभ योग पड़ रहा है। ऐसे में भगवान का स्तवन करने का बड़ा आनंददायक अवसर है, भगवान का स्तवन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। और विशेष तौर पर
ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी अनुकूल दिखाई देती है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी मैनेजिंग कैपेसिटी में अच्छा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, बुध थोड़े अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश ये करें बुध का थोड़ा सा मंत्र जप कर लें या हरी चीज़ों का दान करें तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। व्यास पूजा है, गुरुदेव का पूजन कर गुरुदेव की आराधना कर कर, कहा गया है ना शास्त्र में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तद्वदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए परमात्मा के बाद यदि किसी का स्थान है तो गुरु का ही स्थान है परमात्मा के बाद। कई जगह ये वंदना की गई गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाऊं परिहार्य गुरु आपने, तो वो वास्तविक तौर पर गुरु के सम्मान की पद की बात है, लेकिन परमात्मा के स्थान की गुरु वो जो परमात्मा की तरफ आपको रुझान की तरफ ले जाए। कई जगह समस्या ऐसी हो जाती है कि गुरु स्वयं परमात्मा के स्थान पर बैठ जाता है, तो इस बात की विडंबना ना पाने तो गुरु जो है वो साइन बोर्ड की तरह है कि मार्ग दिखाने वाला है कि यहाँ आगे चलो भैया, तो इसलिए गुरु की आराधना सबसे पहले करने के शास्त्र में नियम इसी प्रकार से बताए गए हैं। तो आज विशेष तौर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं की वंदना भी अवश्य करें। ग्रहों की गणना आपको हमने समझाई। 4 जुलाई की हम ग्रह गणना की बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और मास का परिवर्तन हो रहा है, सावन का मास आरंभ हो रहा है। और सावन तो इस बार बहुत ही श्रेष्ठ है, सावन की प्रतिपदा और विशेष तौर पे मंगला गौरी जी का पूजन का भी शास्त्र में बहुत सुंदर योग बन रहा है, तो साथ साथ त्रिपुष्कर योग भी उस दिन विद्यमान है। यानी कोई भी कार्य आरंभ करना है तो नया उस दिन उसका लाभ ले सकते हैं। दोपहर को 1:38 से लेकर करीब रात्रि पर्यंत ये शुभ योग बना रहेगा, तो इसमें विशेष तौर पर कोई कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुंभ मकर में चंद्रमा जाएंगे दोपहर को 1:42 पर, समय आपके लिए शुभ दिखाई देता है, ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, कोई गरीब व्यक्ति परित्यक्त व्यक्ति या करीब स्त्री जिसकी सहायता करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय ऐसा है कि जितना आप दान पुण्य करेंगे तो उतना आपके जीवन में लाभ की स्थिति बन सकती है, और वैसे भी विशेष तौर पर सावन का शुभ जो तिथि आरंभ हो रही है वो कल्याणकारी है। ऐसे में मंगला गौरी जी का भी पूजन करें, भगवती पार्वती जी का पूजन करें, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 5 जुलाई को ग्रहों की गणना और साथ साथ पंचांग को भी समझ लें। 5 तारीख को ग्रहों की गणना के साथ साथ पंचांग ये कह रहा है कि बुधवार का अवसर द्वितीया तिथि और मकर में चल रहे हैं चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल दिखाई देती है। सावन का महीना जैसा हमने कहा आरंभ हो चुका है, तो ऐसे में सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका पूजन करते हुए उन्हें बिल्वपत्र अर्पित करते हुए समय को आरंभ कीजिए, आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। ग्रहों की गणना आपके लिए अभी लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, और हो सके तो भगवान शिव पर विशेष तौर पर भंग इच्छु रस से विशेष तौर पर अभिषेक कर दिन आरंभ करें। सावन का महीना आरंभ है और जो द्वितीय तिथि है, और विशेष तौर पर बिल्व पत्र भगवान पर अवश्य अर्पित करके ओम त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम शिवाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव पर अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 6 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर होने के योग दिखाई देते हैं, और साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन चतुर्थी क्षय है, तो कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं दिखाई देती। बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीय तिथि और साथ साथ चतुर्थी का क्षय, कुंभ में विशेष तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है चंद्रमा का, दोपहर को 1:41 पर चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये शनि के साथ जाकर छठे भाव में स्थित हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य के लिए दिन भारी दिखाई देता है। तो अपने तमाम कार्यों में विशेष तौर पर सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। सुबह सुबह ओम भगवान शिव का जल दूध से अभिषेक करें, ओम हौं जूं सा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, और साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल पहले ही आपकी द्वादशवें भाव में जा चुके हैं और साथ साथ अब शुक्र भी जा रहे हैं, और साथ साथ चंद्रमा का और मंगल का शुक्र का शनि का एक संबंध विशेष तौर पे बन सकता है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो शुक्र का परिवर्तन जब हो जाएगा, वैसे तो कल सुबह 4 बजे के आसपास ये परिवर्तन हो रहा है, इसके बाद की तिथियों में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। मन और वचन में कई प्रकार की वासनाओं का उदय होने के योग दिखाई देते हैं, तो मन को भटकने ना दे आने वाले दिनों में, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको विशेष तौर पर जरूरत दिखाई देती है, तो इस बात से ध्यान रखते हुए आप कार्य करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं 7 जुलाई की हम यदि बात करें तो 7 जुलाई को शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और ग्रहों की गणना विशेष तौर पर अभी भी आपके लिए थोड़ी भारी बनी हुई है।
अपने समस्त कार्यों में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। कहीं समय आपके लिए थोड़ा भारी ना बन जाए और समय आपके लिए थोड़ा भारी ना पड़े, तो इसको आप विशेष तौर पर सुबह सुबह ध्यान करें। देखिए शुक्रवार का अवसर गौ पूजन करें, कहा जाता है गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, ऐसे में सावन का महीना चल रहा है, तो विशेष तौर पर सावन की पंचमी की तिथि के दिन गौ माता के निमित्त आप थोड़ा हरा चारा लेकर गाय को डालने का प्रयास करें, गौ की सेवा करें तो आपके कष्ट दूर होंगे। वहीं हम बात करें 8 जुलाई की, तो 8 जुलाई को शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और मीन में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब करीब 3 बजे के आसपास। ये परिवर्तन के योग बनाएगा आपके लिए, शुभ योग बनाएगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनेगी। खर्चों के साथ साथ विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है, यानी सुबह का समय थोड़ा खर्चे वाला रहेगा, शाम को राहत के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। समय को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक और परिवर्तन होने जा रहा है इस दिन, विशेष तौर पर कर्क राशि में चंद्रमा बुध का प्रवेश हो रहा है, बुध अस्त स्थिति में चल रहे हैं और इन्होंने पूरी अपनी बुध की जो विशेष तौर पर कन्या राशि थी ये इसी अस्त स्थिति में निकाल दी और अब आपके एकादशवें भाव में शुक्र विशेष तौर पर वहां जाकर बैठ जाएंगे और एकादशवें भाव में जब बुध जाते हैं तो लाभ की स्थिति उत्पन्न करने की आपके लिए अच्छा योग बनेगा। आपकी कुंडली के अंदर यदि हम बात करें तो राशि के हिसाब से आपके लग्न के और साथ साथ दशम भाव के स्वामी और लाभ की स्थिति में जा रहे हैं तो अनुकूल परिस्थिति बनाने के योग बन सकते हैं। तो यानी दोपहर के बाद का समय चंद्रमा और बुध के परिवर्तन के साथ साथ अच्छा रहेगा, लेकिन बुध अस्त हैं तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखें, थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें। और शनिवार का अवसर है तो कोशिश ये करें भगवान शिव का अभिषेक, सावन के महीने में कोई और आधिपति तो होता नहीं है तो शिव ही आधिपति हैं, थोड़ा दूध में थोड़ा तिल डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक करें, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे, बुध भी अनुकूल होंगे और ग्रह भी अनुकूल होंगे। वहीं 9 जुलाई की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और इस दिन कालाष्टमी भी है। देखिए रविवार का अवसर भगवती दुर्गा के निमित्त और कालाष्टमी भी विश्वाष्टमी का संबंध भी भगवती दुर्गा के साथ होता है, तो इसमें विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करें, कल्याणकारी योग बन सकते हैं और शुभ तिथि को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पंचक चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसे कार्य जो पंचक में निषेध हैं, छत डालना और तृण एकत्र करना, लकड़ियां एकत्र करना, ये सारे कार्य करने से बचना चाहिए, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, विशेष तौर पर लाभ की स्थिति है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ परिवर्तन के योग बन रहे हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है और आगे बढ़ने की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है। लेकिन शनि महाराज अभी भी मंगल के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं आपकी राशि के अनुसार से और शुक्र ने वहां जाकर और ज्यादा स्थिति को एग्रीवेट कर दिया है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि जो भी कार्य करें उसमें किसी भी प्रकार का क्लैश एंजाइटी को न बढ़ने दें, अन्यथा परेशानी पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं अब बात करें 10 जुलाई की, 10 जुलाई को ग्रह गणना दिखाती है पंचांग के अनुसार से, सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और ग्रहों में के अनुसार से इस दिन सावन का पहला सोमवार है, इस सबसे शुभ योग, शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सावन का महीना और पहला सोमवार और उस दिन ग्रह गणना भी विशेष तौर पर यदि पंचांग के अनुसार से देखें तो आपकी राशि के अनुसार से तो दिन भर अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है। शाम के समय थोड़ा सा कष्ट दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा बृहस्पति के साथ जाकर गजकेसरी योग बना देंगे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करता दिखाई दे रहा है, तो फिर भी आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए सावन का पहला सोमवार यथाउचित भाव से भगवान के लिए निमित्त पूजन करने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में एक सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है जो नित्य प्रति चलेगा, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और यदि बहुत दूर हैं तो आप अपने निमित्त उस रुद्राभिषेक का पुण्य भी प्राप्त करने की व्यवस्था बना सकते हैं। हमने योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उस सुंदर अभिषेक के अंदर और रुद्र महायज्ञ के अंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है और सोमवार का अवसर है तो आप विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहेगा, आप सब भी भगवान का अभिषेक करने के लिए आश्रम में अपना स्थान आरक्षित करें, भाग लें, कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।